सो दोस्तों, आज हमारे पास है टाटा की टियागो सीएनजी वेरिएंट, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। आज हम इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। एक छोटा सा वॉक अराउंड रिव्यू देने वाला हूं इस कार के बारे में। इसके वेरिएंट की बात करें तो आपको इसमें 5 वेरिएंट मिल जाते हैं। ये बेस मॉडल से थर्ड वेरिएंट है, इसका नाम है एक्सटी वेरिएंट। आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे एंड सब कुछ आपको बताने वाला हूं इस कार के बारे में। सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी आपको ऑन रोड प्राइस पड़ने वाले 780,951 रुपए, और जो टॉप मॉडल रहेगा उसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी लमसम 886,236 रुपए के आसपास। इस शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप कॉल कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिलने वाली। अभी हम इस कार के बारे में बात कर लेते हैं। इस कार का डिज़ाइन है हैचबैक, ये हैचबैक कार है, सो इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइट की बात कर लेते हैं। ये रही हेडलाइट, हेडलाइट की बात करें तो आपको हैलोजन मिलने वाली है, सो कुछ ऐसे दिखेगी। और यहाँ पे आपको एक बल्ब का मिल जाएगा जो कि आपका DRL रहने वाला है। और इधर से ये कार कुछ ऐसे दिखने वाली है। यहाँ पे आपको ग्रिल मिल जाएगी जो कि कुछ ऐसे काफ़ी स्टाइलिश लुक के साथ में आती है। एंड साथ में आपको यहाँ पे क्रोम वर्क देखने को मिलेगा, टाटा का लोगो। और इधर की बात करें, इधर से कुछ ऐसे दिखने वाली है कार। और नीचे की बात करें, यहाँ पे आपको फॉग लैंप का ऑप्शन तो अभी लगा कि नहीं दिया जाता है, लेकिन आप लगवा सकते हो शोरूम पे। एंड टॉप मॉडल भी आपको DRL यहाँ पे मिल जाएगा, साथ में फॉग लैंप भी आपको उसमें मिलने वाला है। यहाँ पे आपको टोइंग ऑप्शन मिल जाएगा। और ये रहा इसका रेडिएटर, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऐसी कुछ ग्रिल मिलने वाला, नंबर प्लेट यहाँ पे लगेगा। सो इधर की बात करें तो ये रहा इधर का फॉग लैंप, ऐसे कुछ दिखने वाला है। ये इधर से कुछ ऐसी दिखेगी कार। और इसकी बोनेट की बात करें तो यहाँ पे आपको कब सा शेप देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है, ये दोनों तरफ है। तो दोस्तों, अभी हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं। ये रहा इसका इंजन, यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाएगी। और अभी हम इसके इंजन की बात करें तो आपको इंजन मिलने वाला है 1199 सीसी का, जिसकी पावर आपको मिलने वाली है 72.39 bhp एट 6000 RPM पे। और आपको टॉर्क मिल जाएगी 95 न्यूटन मीटर एट 3500 RPM। इसमें आपको 3 सिलेंडर, 4 वाल्व और आपको मिल जाएगा 5 स्पीड गियरबॉक्स। तो ये कार इधर से कुछ ऐसे दिखने वाली। अभी आप लोगों को इसका फ्रंट लुक आसानी से समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं इस कार के राइट साइड में और राइट साइड का व्यू हम देख लेते हैं। सो ये कार राइट साइड से कुछ ऐसे दिखने वाली। ये रहा आपका मिरर, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलने वाला जो कि LED रहने वाला है। और यहाँ की बात कर लेते हैं, ये रहा इसका व्हील। व्हील की बात करें तो आपको इसमें अलॉय व्हील नहीं मिलते, ऐसे कुछ व्हील मिलने वाले। लेकिन हाँ, अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो उसमें आपको व्हील का डिजाइन थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा, डायमंड कट वाली आपको फिनिशिंग देखने को मिलेगी। और व्हील साइज की बात करें तो आपको मिलने वाली है 14 इंच की। टायर की बात करें तो आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। टायर साइज की बात करें तो आपको 175x65 का टायर साइज मिल जाएगा। और अगर हम इसके ब्रेक की बात करें तो आपको डिस्क ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। और साथ में आपको मिलने वाला है ABS, जो कि बहुत अच्छा है एंड बहुत जरूरी भी है। आजकल के टाइम पे ABS होना चाहिए हर एक फोर व्हीलर में। इधर से ये कार कुछ ऐसी दिखने वाली है, आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपको कप सी लाइन देखने को मिल जाएगी जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा एनहेंस कर रही है। और ये रहे आपके डोर हैंडल, आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे, आप इसे किसी ओपन कर सकते हो। और ये रहा इधर का व्यू, इधर से कार कुछ ऐसे दिखेगी। सो ये रहा रियर का डोर हैंडल। और ये रहा इसका टेल सेक्शन। और ये है व्हील। थोड़ा स्पेस कम है तो मैं ज्यादा दूर से नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। इधर से कार कुछ ऐसी दिखने वाली है, इधर से कार कुछ ऐसी दिखने वाली है। और भी हम चलते हैं इसके रियर साइड में और इसके टेल वाले सेक्शन की हम बात कर लेंगे, साथ में बूट स्पेस की बात कर लेंगे। तो ये रहा इसका टेल सेक्शन, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा जो कि बल्ब रहने वाले हैं। आपको ICNG की ब्रांडिंग, टाटा की लोगो एंड टियागो की ब्रांडिंग एंड की से आपको बूट स्पेस ओपन करना पड़ेगा। नंबर प्लेट यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे आपको दो सेंसर मिल जाते हैं, एक यहाँ पे मिल जाएगा, एक यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि देखा जाए एज अ सेफ्टी फीचर बहुत अच्छा है। ये रहा इसका। और ये रही आपकी टेल लैंप, जो कि आपको LED मिलने वाले हैं। रियर से ये कार कुछ ऐसी दिखने वाली है, सो आप देख सकते हो। और इसके एक्सॉस्ट की बात करें तो ये रहा इसका एक्सॉस्ट, ऐसा कुछ दिखने वाला है। यहाँ पे आपको ऐसी कुछ डिजाइन मिल जाएगी जो कि ये भी देखने में काफी अच्छी दिख रही है। बूट स्पेस ओपन करने से पहले हम की के बारे में जान लेते हैं। आपको ऐसी कुछ की मिलने वाली है, आपका ये अनलॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा एंड आपकी इसी हेडलाइट ऑन हो जाएगी एंड आपको ऐसी कुछ की मिल जाएगी। एंड एक आपको ऐसा कुछ स्टाइलिश की मिलने वाली, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ऐसी कुछ आपको की मिल जाएगी। फोल्ड करने के लिए प्रेस करके आसानी से फोल्ड हो जाएगी। सो बहुत ही स्टाइलिश आपको की मिलने वाली। अभी हम बूट स्पेस को ओपन करके देख लेते हैं। आपको की ऐसी लगानी है, राइट साइड से प्रेस करना, उसके बाद हल्का से ऊपर करोगे, आसानी से ये बूट ये ओपन हो जाएगा। तो ये रहा इसका बूट स्पेस। आपको ज्यादा बूट स्पेस तो नहीं मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको गैस का बाटला मिल जाता है, इसकी वजह से आपका स्पेस जो है कम हो जाएगा। लेकिन आपको नीचे यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिलेगा, यहाँ पे आपका एक अलग सा व्हील एंड टायर रखा रहेगा। और इसमें गैस लिमिट की बात करें तो आपको 11 kg की गैस आराम से भर जाएगी। और आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टोरेज मिल जाएगा, यहाँ पे आप बैग कैरी कर सकते हो, यहाँ पे आप खड़े होकर से कुछ खाना खा सकते हो अगर आप बाहर कहीं पर जाते हो। सो ये ओपन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा, अभी आप लोगों को एक रफली आइडिया मिल गया होगा। सो अभी हम इसे क्लोज कर देते हैं। सो आप लोगों ने रियर साइड का व्यू देखा, अभी हम चलते हैं इसके लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड से देख लेते हैं कार कैसी दिखती है। तो रियर से कार कुछ
ऐसी दिखने वाली। ये रहा आपका रियर डोर हैंडल और यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपकी गैस भी भरी जाएगी, सीएनजी भी भरी जाएगी एंड साथ में आप पेट्रोल भी भर सकते हो। पेट्रोल के फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको 35 लीटर की मिल जाएगी एंड पेट्रोल से इसकी जो है माइलेज आपको मिलने वाली है लमसम 18 के आसपास, और सीएनजी से बात करें तो आपको कंपनी क्लेम करती है 26 के आसपास। सो डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हो, और आपका जो सीएनजी भरा जाएगा 11 केजी के आसपास। सो ये रहा इधर का व्यू, इधर से कार कुछ ऐसे दिखेगी और ये रहा आपके रियर डोर का हैंडल ऐसे कुछ आपको मिल जाएगा। ये रहा आपका ORVM। सो ये रहा इस कार के लेफ्ट साइड का व्यू, लेफ्ट साइड से ये कार कुछ ऐसी दिखने वाली है। मैं इधर से भी आपको दिखा देता हूँ। सो इधर से ये कार कुछ ऐसी दिखेगी और भी हम चलते हैं इस कार के अंदर और इसके इंटीरियर एंड एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। सो भी चलते हैं इसके अंदर। तो ये डोर ओपन होने के बाद ऐसे कुछ दिखने वाला है। यहाँ पे आपको मिरर के कंट्रोल मिल जाएंगे और काफ़ी सारे कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं सीट के, और यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, आप मैगजीन रख सकते हो या छोटी बॉटल भी यहाँ पे कैरी कर सकते हो। और भी बात कर लेते हैं इसकी स्टेयरिंग। सो ये रही स्टेयरिंग, आपको कुछ ऐसे मिलने वाली है। यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाएंगे, आप फोन कनेक्ट करके फोन रिसीव कर सकते हो या फिर वॉल्यूम आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे आपको स्टेयरिंग पे थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी आपको ये फाइबर वर्क ही किया गया है। और यहाँ पे आपको एयर विंड्स मिल जाएंगे जो कि आप देख रहे हो, और मीटर कंसोल ये रहा, आगे मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा। सो ये रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, आपको 3 पॉइंट ऐसा कुछ समथिंग मिलने वाला, बहुत ही छोटा सा। आप टॉप मॉडल लेते हो तो उसमें आपको 7 इंच का मिल जाएगा। एयर विंड्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और ये आपका एसी का कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएगा। और इधर की बात करें तो यहाँ पे आपको एयर विंड्स मिल जाएगा, इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं जो कि सेफ्टी फीचर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। ये रहा इसका मीटर कंसोल, ये हम ऑन कर देते हैं। सो ये ऑन हो गया, ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। फुली डिजिटल आपको मीटर कंसोल मिलने वाले जिसमें आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, इसके बारे में आगे बात करें कोई एक अलग वीडियो में ला दूंगा। यहाँ पे आपको वाइपर का कंट्रोल मिल जाएगा, और हेडलाइट की बात करें हेडलाइट का कंट्रोल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सो नीचे आपको यहाँ पे ब्रेक लीवर, क्लच लीवर एंड थ्रोटल आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोरेज मिल जाएगा, आप टिश्यू पेपर या फिर ऐसा कुछ कैरी कर सकते हो। और ORVM को कंट्रोल करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ की बात करें तो आपको चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ये रहा आपका गियरबॉक्स, गियरबॉक्स की बात करें तो आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलने वाला है। और ये रहा आपका हैंड ब्रेक, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाएगा। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आप बोतल कैरी कर सकते हो, आपको ऐसा कुछ स्पेस मिलने वाला है। सो ये ग्लव बॉक्स की हम बात कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। साथ में टूल किट भी आपको मिल जाता है टाटा की तरफ से, काफी स्पेसियस आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स। इसको मैं भी लॉक कर देता हूँ। इसके सीट के इंटीरियर की बात करें तो आपको कुछ ऐसी सीट मिलने वाली, मुझे इस सीट की डिजाइन काफी अच्छी लगी। आपको डुअल टोन में सीट मिलने वाली है और इसकी कुशनिंग आपको अच्छी मिलने वाली है। सो आप देख सकते हो, आपको यही सेम इंटीरियर आपको टॉप मॉडल में भी देखने को मिलेगा। और इस सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आपको आगे पीछे जैसे आपको स्पेस चाहिए। सो ये सीट कुछ ऐसे दिखने वाली है, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और भी हम चलने वाले हैं इसके रियर वाले सीट की बात कर लेते हैं। ये रहा इसका रियर डोर, ओपन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे आप 1/2 लीटर का बोतल आसानी से कैरी कर सकते हो। और ये रहा आपका स्पीकर, तो ये डोर कुछ ऐसे दिखने वाला है। और भी हम चलते हैं अंदर। ये रही इसकी सीट, आपको कुछ ऐसी सीट मिल जाएगी, आपको सेम इंटीरियर मिलता है जैसे हमने आगे देखा था। और इसमें 3 लोग बड़ी आसानी से बैठ सकते हैं। और इधर पीछे आपको ऐसा कुछ छोटा सा स्पेस मिल जाएगा, आप बैग कैरी कर सकते हो वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे भी आप 1/2 लीटर की बोतल आसानी से कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक हैंडल मिल जाएगा जो मिलता है, इधर भी दिया गया है एंड आगे भी दिया गया है। 4 आपको हैंडल ऐसे मिलने वाले हैं, जब आप राइड करते हो धक्का ना लगे या फिर उतरने के लिए आप इसे आसानी से पकड़ के बाहर उतर सको। सॉरी मैंने 4 बोल दिया, इसमें आपको 3 ही मिलते हैं, ड्राइवर के साइड में नहीं है। और नी रूम की बात करें तो आपको ऐसा कुछ स्पेस मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी हाइट 5.9 है, मतलब 6 फीट के आसपास हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही बैठने में। अच्छा खासा आपको नी रूम मिलने वाला, थोड़ा बहुत पीछे भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे भी आपको एक स्पेस मिल जाएगा। और इधर से आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसे दिखने वाला है, और यहाँ पे आपको लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। अभी हम इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं। इसकी लेंथ आपको मिलने वाली है 3765 mm, विड्थ आपको मिल जाएगी 1677 mm, और आपको हाइट मिलने वाली है 1535 mm। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको मिल जाएगी 168 mm, और इसका व्हील बेस है 2400 mm, और इसका जो है आपको वेट मिलने वाला है 1040 kg से लेके 87 kg के आसपास। और इसमें आपको 3 या 4 कलर ऑप्शन मिलने वाले हैं। सो ये पेट्रोल में भी आती है, सीएनजी में भी आती है। सीएनजी में आपको 5 वेरिएंट मिलते हैं। इसकी प्राइस मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये आपको बेस मॉडल से 3rd मॉडल है। इसके आपको ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है 780,000 के आसपास। और अगर आप टॉप मॉडल लेते हो इसका सीएनजी वेरिएंट का, तो आपको ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगी 880,000 के आसपास। तो इस शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। सो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा। आगे बहुत सारी कार का रिव्यू का वीडियो आने वाला है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं डिटेल रिव्यू वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, हर एक कलर की, हर एक वेरिएंट की, हर एक मॉडल के। जो आप लोग कमेंट करोगे उसका वीडियो जरूर आएगा। सो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप देख रहे हो एक बजट फ्रेंडली एक फैमिली वाली कार, तो आप इसकी तरफ आसानी से जा सकते हो, जिसमें आपको माइलेज अच्छा मिल जाएगा क्योंकि इसमें आपको सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ने वाली
वाली है और ये आपके बजट के अंदर में आ जाएगी। इसमें आपको मतलब डिसेंट लुक मिल जाएगा, साथ में आपको फीचर्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं इसके प्राइस के साथ में। साथ में सेफ्टी जो कि बहुत ज़रूरी होती है, टाटा की गाड़ियों में सेफ्टी तो होती है। सो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बताओ ये कार आप लोग कैसी लगी, किसको किसको पसंद आए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।